हाँ बिल्कुल, हर त्योहार काले हैं। जिस देश का राजा इस तरीके से होगा, जिस देश की जनता इतनी दुखी है, आंदोलन पता है एक दो ही नहीं चल रहे। इको पार्क लखनऊ में मैं गई थी, 9 आंदोलन चल रहे थे, 9 धरने। तो जिस देश में सरकार ऐसी हो, जमाना ऐसे हो कि इतनी सारे आंदोलन चल रहे हो, इतने सारा सिस्टम खराब हो, तो उस देश में भी त्योहार काले हैं। डेली के डेली दिन काले आवेंगे भाई। रिकॉर्ड बना रहे 9 लाख दिए जलाने का, 9 लाख दिए जलाने के, जिनके घर में दीपक बुझ गए, जो लखीमपुर खीरी में कांड हुआ, जो 700-800 किसान शहीद हो गए आंदोलन में, जो 3 महिलाएं बॉर्डर पर कर दी, उनके घर तो दिवाली नहीं मन रही, उनके तो दीपक बुझ गए, किसी किसी का तो एक एक दीपक बुझ गया। तो सरकार को इस बात को शर्म नहीं आनी चाहिए, इस बात को तुम अपने दीपक जला कर रिकॉर्ड बना रहे हो, उन्हें गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड करवाना। बहन एक सवाल कर रही है पूजा कि पेट्रोल पर दाम गिर गए, अब ये बोर्ड लगाएंगे कि धन्यवाद मोदी जी 5 रुपये कम करने के लिए, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी 2 रुपये कम करने के लिए। एक महीने में 19 जने 20 रुपये बढ़े पेट्रोल पे, क्या उसके उसके चर्चे पच्चे करे नेशनल मीडिया ने, जितनी मीडिया सोशल मीडिया यहाँ पे, नेशनल मीडिया ने बताया इस चीज़ को कि 22 रुपये बढ़ गए, 19 रुपये बढ़ गए एक महीने में 20 बढ़ा के तुम 4 रुपये कम कर दो, तो कहीं कम में कम है वो। आपने दिवाली की बात करी, आप भी तो शुभकामनाएं भेज रही है ना सबको? किसको भेज रही हूँ मैं? काली दिवाली की, काली की शुभकामनाएं, देखिए मैंने किसी को दिवाली की शुभकामनाएं नहीं दी, बस मैंने जिनको आया है मुझे रिप्लाई देना चाहिए, संगठन के लोग हैं, रिप्लाई देना चाहिए जो कोई इस तरीके से हमें कोई शुभकामनाएं भेजता है। लेकिन हाँ, काली दिवाली सब पूरे देश के लिए काली दिवाली, और हर दिन काला होवेगा, एक दिवाली की बात नहीं कर रहे। अगर ऐसे ऐसे अहंकारी लोग बैठेंगे सरकार में, कुर्सियों पर ऐसे ऐसे अहंकारी लोग बैठेंगे, तो हर दिन काली दिवाली होगी, और दिवाली नहीं होगी, दिन ही काला होगा, या तो दिन रात दोनों काली हो रही है उनकी, देख ले भाई। लेकिन पूनम प्रधानमंत्री तो जा रहे हैं सेना के जवानों के साथ, सेना को उन जवानों के साथ नहीं है, 2019 पे जिनमें क्या बोलते हैं इन्होंने चुनाव लड़ा था 2019 में, उनके एक जो आगरा की एक महिला बैठी हुई थी, उनको जो सम्मान मिलना है शहीद को, वो भी नहीं दिया, तो क्या जाने में जाना, दिखाएगा नहीं चैनल, तुम काटियो ना बात सारी दिखाइयो। आपके साथ आप अकेली काली दिवाली मना रही है या कांग्रेस पार्टी? नहीं, इनकी बात नहीं, देख लीजिए, देखिए मैं पार्टी से बेशक जुड़ी हुई, लेकिन मैं पहले भी बोल चुकी ये चीज, मैं पूरी जनता का समर्थन करती हूँ, जो युवा है उनका करती हूँ, किसानों का है, जब किसान बॉर्डर पे काली दिवाली मना रहे हैं तो मैं कैसे मना सकती हूँ खुशी वाले, और ये यहाँ बैठे हुए हैं ये काली मना रहे दिवाली, तो मैं कैसे मना सकती हूँ रंगीन दिवाली? आप बताइए ना, मैं कांग्रेस पार्टी से मैं बाद में जुड़ी हुई हूँ, पहले मैं इनके साथ हूँ, इनके आशीर्वाद और इनके प्यार से हूँ, तो जिधर इनका पलड़ा गिर रहा है मैं उधर गिर रही हूँ, और मुझे गिरना भी चाहिए, किसी पार्टी ने मुझे नहीं बनाया, किसी व्यक्ति ने एक ने नहीं बनाया, देश की जनता दुखी है, वो काली दिवाली मना रहे तो हम रंगीन कैसे मना सके? उस त्योहार का क्या त्योहार होना जिनके एक एक दीपक बुझ गए, उस त्योहार का क्या त्योहार होना जिसके देखो जितने सारे बच्चे बैठे हुए अपने घर से, तो उनके घर में भी दिवाली नहीं मन रही हो, तो उस त्योहार का क्या त्योहार करेंगे मनाने, बताओ आप? मुद्दे तो हमेशा रहे ना, हर सरकार में, हर सरकार में मुद्दे रहे, लेकिन इतने कभी नहीं रहे, हर सरकार में दिक्कतें होती है थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी नहीं हुई, हर सरकार में ऐसी बात होती है लेकिन तानाशाही नहीं हुई इतनी, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो। तो आप लोग कहते हैं कि तानाशाही हो रही है, आप लोग कहते हैं प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, अभी आपने बताया कि लखनऊ में 9 प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो रोड पे करना चाह रहे थे जहाँ उनकी इच्छा थी, लेकिन उनकी इच्छा से उन्हें हटा करके इको पार्क है उसमें घेर रखा, साइड में यहाँ रहो, ठीक ना, उन्हें कोई देखने जाता ना उन्हें कोई अधिकारी मिलने जाता, तो ऐसे प्रोटेस्ट होने का भी क्या फायदा, जब जनता की सड़क, जनता की रोड, जनता का देश, जब उसका दिल वहाँ जहाँ करेगा वो वहीं तो करेंगे प्रोटेस्ट। कोर्ट भी तो ये कहता है ना कि सड़कों को प्रदर्शन का स्थल ना बनाया जाए। अब एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने रोड के लिए बोला, ये तो साइड में बैठे आप रोड पे क्यों बताल लग रहे हैं, और दूसरी बात किसी रोड पे ना बैठ करके वो ये जो भर्ती चली थी अभी 69,000 जो बच्चे कर रहे थे उसको शिक्षक वाली, उनमें वो लोग एक वो था सरकारी कार्यालय, वो वहां पर बैठ करके पूरा प्लॉट व्लॉट खाली पड़ा था, मैं गई थी वहां देखने के लिए, उन्हें वहां से हटा करके उठा करके वहां इको उसमें कर दिया, वो तो सड़क नहीं थी, वो तो चौखा बड़ा सा प्लॉट पड़ा है। तोहफा दे तो दिया दिवाली पर, और क्या लोग जान लोगे प्रधानमंत्री की, वे देने के तो ना कौन सा तोहफा दे दिया, अभी मैंने बताया, अब जो है वो होर्डिंग लगवा ले मैं, वे अपने अब वो अपने प्रचार चर्चार करें कि धन्यवाद मोदी जी 5 रुपये कम करें, लेकिन वो भी तो उस पर भी तो जिक्र करो जो एक महीने में 22 रुपये बढ़ाए, 22 बढ़ा के 5 कम कर दी, कहा मैं कम कर दी भाई, तो हार गए, ये भी तो देखो कितना झटका झेल रही है बीजेपी, अभी तो कुछ भी नहीं, 2022 में देखना, 2022 में सारे चुनाव हारेंगे, और ये जनता समझ रही है, जो उपचुनाव हारे गए हैं ना तो उसका ये मतलब है कि जनता जागरूक है, जनता समझ रही है, और सभी लोग पीड़ित है, ठीक, लेकिन फिर भी एक बात कहूंगी, जब पूरे के पूरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जब ये बोल दिया कि किसी भी मशीन में दिक्कत हो सकती है, तो आप उस बात पे भी नजर रखें, पैनी नजर बना करके, और खूब अच्छे से, आप सब दुखी, ज्यादा दुखी दिवाली तो बीजेपी के लिए आई है ना, अच्छा अभी तो उनके लिए दिवाली दुखी है, लेकिन जनता को जो दुखी करता है तो उसके तो हमेशा ही मौसम दुखी रहेंगे, चारों सावन भादो सूखे ना हरे वे रहेंगे।
करेंगे, जो जनता के साथ नहीं है, जो जनता की बात नहीं करेगा, तो उसके सारे मौसम ऐसे ही होंगे। अभी तो एक दिन की बात कर रहे हैं। एक चीज बताएं, महंगाई की बात भी, हर एक चीज पे दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ पेट्रोल डीजल पे 5 और 10 रुपए कम कर देना, बाकी दूसरी चीजों पे कम करेंगे। अच्छा लगा, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। यही बात है कि पेट्रोल एक ऐसी चीज है जो डेली लोग यूज कर रहे हैं, गैस ऐसी चीज है, लेकिन महंगाई हर चीज पे है। हर चीज का रिकॉर्ड भी तो दिखाओ। एक लाइसेंस 650-700 रुपए में बन जावे, ड्राइविंग अब 2500-2400 में बने वो, तो हर चीज है। प्लेटफॉर्म टिकट देख लो तुम, और हमारी वो सब्जी वो उसी माहौल में जावे, हर पैकेट में बंद होकर आप देख रहे हो क्या जावे। तो महंगाई सिर्फ पेट्रोल पे नहीं है, और जो आय मिलती है, अभी क्या हो रहा है, किसान आपने देखा मूंजी खराब हो, कैसे ना बननी देंगे। अरे हमारा देश स्मार्ट, हम स्मार्ट, तुम देश की बात कर रहे हो, हमारे देश पहले से स्मार्ट है, कौन सा नया बनेगा। तो पैकेट में आने दो ना माल, माल पैकेट में आने दे, 255 रुपए का। ये बताओ, MBA करो पकौड़े तलो, BBA करो पकौड़े तलो, PCA करो पकौड़े तलो, और ये बैठे हुए SSC के बच्चे ये पकौड़े तलने को। अब समझ में आई वो पकौड़े तलने की बात क्यों थी। वो बात यूँ थी ताकि तेल इनका सरसों का महंगा बिके, ठीक है, कच्ची घानी का शुद्ध तेल 350 ना हो जाए, ध्यान रखियो। सरसों का हमारी 1 रुपया की ले रहे हैं वे, क्या की ले रहे, एक चावल का पैकेट 150-150 रुपए किलो दे रहे, और हमारे चावल 1100-1200 बिके, 3000 में कहाँ बिके, कहाँ बिक रहे 3000 में। बढ़िया वाला तुम्हें मिलेगा, किसान को नहीं मिलेगा उसका पैसा, धान वही बिका 1100-1200 में। समझ रहे नहीं आप बात को, समझो। तो ठीक रेट मिला इस बार, सरसों 1 रुपया रेट मिला, वो तेल का तो देख लो कहाँ कर दिया, 6000 मिला, किसान तो खुश हो रहा है। देखो खूब 4-5 हजार रेट मिला है सरसों का, लेकिन अब आप उसको मल्टीप्लाई कर दो ना, 230-240-250-260 तेल हो रहा, बताओ अब। डिमांड ज्यादा है, अरे उसी के क्यों, जब इनकी सारी कंपनियां आई, उद्योगपतियों ने तेल निकाले, रिफाइंड निकाले, जब ही क्यों, पहले से किसान की क्यों नहीं ली गई। अब आप देख लो, आप चावल देखो कितना मिला, चावल देखो ना कितना बिका, और चावल किसान का था 1100, और वो देखो 135-140 रुपए का बिक रहा है किलो। भाई आप चाहते हैं उद्योगपति देख छोड़ दे बाहर। देखिए मैं चाहती हूँ उद्योगपति जो है, जितनी उनकी स्थिति है उसमें रहे, मैं वो खाल में ना कि खालसू बाहर निकले। हम चाहते हैं देश के लिए, हाँ उद्योगपति आइए, बिजनेस करिए, कंपनी लगाइए, हाँ वही तो कंपनी लगाइए। मैंने अब से पहले उद्योगपतियों का विरोध करा, मैंने इसलिए विरोध करा उनका क्योंकि वो देश की जनता के, देश के किसानों का साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने विरोध करा। अब उद्योगपति है इतने बड़े बड़े, उन्हें स्वर्ण अक्षर में अपने नाम चाहिए, देश के इतने, भारत देश के ये उद्योगपति, इनका नंबर स्वर्ण अक्षरों मारा अमीरी में, उन्हें ये चीज चाहिए। ऐसे उद्योगपति हो गए थे पहले, कुछ आपातकाल स्थिति आ गई, कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ दिक्कत परेशानी देश पे हो जाए, देश के लिए इतना वो करे थे वो दान कि क्या रामदेव बाबा ने कितने हजार करोड़ दिए कोरोना काल में, कितने अड़ानी अंबानी ने दिए, दवाई दे दी करोड़ फ्री बांट दी, फ्री दे दी क्या दवाई दे दी, दवाई के प्राइवेट अस्पताल में को जो बांट रहे हैं ये फ्री वैक्सीन कर रहे हैं प्राइवेट अस्पताल में, 800 रुपए की लगे वो सुई, हाँ फ्री मिले सरकारियों में, प्राइवेट में नहीं मिलती, जब प्राइवेट वालों को फ्री दो जब तो मिलेगी। मेरे घर पे कोई हा ना, दिवाली ना मन रही, मैं सोच रही यही दिवाली मनाऊं, जब होली दिवाली सब यही मन रही, बॉर्डरों पे मन रहे सारे त्यौहार, तो जब ये लोग यहाँ बैठ सकें तो हम घर में कैसे बैठ सकें। और मैं बता दूँ मैं बुलंदशहर से ही आई हूँ, और इसी वजह से कि मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा समय उनके साथ में बिताऊँगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि देश का दुर्भाग्य कि सरकार ऐसी है और वैसी है और कैसी है न जाने कैसी है, क्योंकि ये बेचारे यहाँ पे बैठे हुए नौकरी के लिए, और ये वो लोग हैं जिनकी आवाज़ हम बॉर्डर पे भी उठावे थे कि SSC के बच्चे आंदोलन कर रहे, ऐसा नहीं मैं पहली बार ही इनको सपोर्ट कर रही हूँ, मैं जब से बॉर्डर पे आई हूँ मैंने पहले से इनको सपोर्ट करती हूँ। 59,000 के करीब समथिंग बच्चे वो हैं जो फिजिकल फिट है, जो सब चीज़ों में फिट है, बस क्या मांग रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर, वो ही नहीं मिल रहा, और वो चीज़ें मिल रही जो इन्हें नहीं चाहिए, है ना। काली दिवाली मना रहे हैं आप भी, काली।